मथुरा गोवर्धन रोड पर स्थित ध्वस्त पड़ी बाउंड्री ग्राम समाज दतिया की जमीन बताई गई है। ग्रामीणों के मुताबिक दबंग भूमाफियाओं ने इसे आम जनता को धोखा देते हुए गौ आश्रय स्थल बनाने के नाम पर रातों रात बाउंड्री कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने ग्राम समाज दतिया के नाम का एक बोर्ड भी लगा दिया, जिस पर उन्होंने गौ आश्रय स्थल ग्राम समाज दतिया लिख दिया। लेकिन जब इस धोखाधड़ी की जानकारी ग्राम प्रधान हेमंत फौजी को हुई तो वो गांव के तमाम नागरिकों और ग्राम पंचायत सदस्यों को लेकर पहुंच गए। भूमाफियाओं की हरकत को देखकर ग्रामीण आक्रोश में आ गए और उन्होंने रातों रात की गई इस चार दीवारी को गिरा दिया। ग्राम प्रधान हेमंत फौजी ने बताया कि ग्राम समाज की जमीन है और इस पर किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। मैंने प्रस्ताव किया था गौशाला के लिए गोचारण भूमि का, जबकि ये गोचारण भूमि नहीं है, ये अपनी बंजर भूमि है, ग्राम समाज की बंजर भूमि है। तो इन्होंने प्रस्ताव किया, ठीक है, तो वहाँ पे गौशाला बन गई है। वो सरकारी के लिए प्रस्ताव किया था, ना कि प्राइवेट के लिए। तो अभी तक मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए गए। मेरे प्रधानी को 9 महीने समथिंग हो गए, ठीक है। और इसका रातों रात कल हमारे गाँव में प्रोग्राम था, जो कि 25 गाँव बहुत बड़े स्तर पर था, तो सारे गाँव के लोग वहाँ पर व्यस्त थे। और रातों रात में कुछ दिन में और कुछ रात में ये बाउंड्री वॉल कम्प्लीट हो गई है। इसके बारे में अपने गांव वालों ने आक्रोश जताया और वो इसको तो क्या आशंका जताया यार, किसने बाउंड्री वॉल किया? देखो, बाउंड्री वॉल तो ये किसी को नहीं पता, भूमाफिया ही होंगे। अगर मैं गांव को प्रधान हूँ तो मुझसे इन्फॉर्म करके बताना चाहिए उनको कि प्रधान जी है, और ब्लॉक के समथिंग ब्लॉक के काम होता है ब्लॉक के थ्रू, तो मेरे पास नोटिस आना चाहिए, ठीक है। हाँ, अवैधी कह सकते हैं। और ना मैंने काम करते हुए किसी आदमी को पकड़ा, ना गाँव वालों ने, पर रातों में कोई ऐसा शंका तो नहीं थी कि इस काम होना है, तो गाँव वाला कोई पहरा तो देगा नहीं यहाँ पे, तो ये रातों रात हो गया है। और सुबह गांव वालों को पता चला, मुझे भी बताया प्रधान जी ऐसे, मैंने भाई मुझे तो नहीं पता, पर आप पहुंचो वहां पे, तो गांव वाले आपके सामने सब हैं, पूरा आक्रोश जता रहे हैं। ग्राम समाज दतिया के ग्रामीणों का कहना है कि दबंग लोग जमीन को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। ग्राम समाज की करोड़ों रुपए की जमीन पर रातों रात की गई बाउंड्री वॉल को लेकर लोगों में चर्चा है। ये ऊंची हरकत मथुरा के एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख द्वारा की गई। अब वो दबंग ब्लॉक प्रमुख कौन है ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि लोग इस तरह के कयास लगाने में जुट गए हैं। मामला कुछ नहीं है, हमने तो इसका प्रस्ताव गौशाला के नाम से, ग्राम पंचायत के नाम से, अभी रात में वाल बाउंड्री बता रहे कौन करिए, ये मालूम ना कौन करिए, माट बार इन करिए, इन माट बाप नाप बार इन कब और ने करिए, या कोई पता नहीं। भैया मैंने तो ऐसी जोड़ी ना, तो मैंने तार खिंच दी है, हम न मैंने करी, तो ये तो गलत काम बहुत। कौन की जमीन है, क्या मामला है? ये जमीन सरकार की है, ग्राम समाज है। फिर क्या हुआ इस पर? हमन तो ऐसी है छोड़ी, हमन तो नकाऊ गए रंधे ही न कछु, राम प्रसाद पूछो का करो। पर आए पहले इनकी प्रधानी मिलकर, पर अब रात में क्या हुआ है? रात में ना देखो कछु, बाउंड्री हो गई, बाउंड्री है, मैंने ना देखी, तुम्हें सही बात होता, सुबह देखा आपने? मैंने सुबह ना देखी। यहाँ पे गौशाला की जो जगह, एक जगह इन्हें निर्धारित कर दी है, लेकिन 3 जगह काम चल रही है इनके। ये पहला एग्जाम्पल है, गांव वाले आए और तोड़फोड़ करिए, गांव में अवैध 1 इंच भी होगो तो वहाँ पर तोड़फोड़ ऐसे ही करी जाएगी, 1 इंच कहीं से जमीन ना जाएगी, कोई भी जमीन जही तो मतलब ना है, चाहे कोई भी जमीन दब रही है। जमीन पर कब बाउंड्री वॉल हुई है? ये तो रात में बाउंड्री वॉल हुई है, रातों रात। मामला ये है कि ये गौशाला के लिए प्रस्ताव किया बताया प्रधान जी ने, और जबकि गौशाला की ये है नहीं भूमि, गौचारण भूमि उधर चामण मैया के पास है, ये ग्राम समाज की भूमि है। अगर कोई भी ऐसा स्थिति आए तो गांव के प्रधान को कॉन्फिडेंस में लेके काम किया जाए। अच्छा, तो क्या मामला है? गांव के प्रधान को हुआ है? अब रातों रात बाउंड्री हो गई है, और जो भी ये काम हुआ है आपके सामने है ये नज़र में। मामला जी, सुबह सूचना मिली गांव को कि ऐसे ऐसे मतलब जो ग्राम समाज की जमीन पे कुछ भूमाफियाओं ने रात रात में मतलब ये बाउंड्री लगा दी है, तो गाँव के हमारे जो प्रधान है वर्तमान, उनको सूचना दी गाँव की किसी व्यक्ति ने, और फिर हमारे और जो भी 2-4-6 लोग हैं गांव के, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे गांव समाज की ज़मीन पर रात रात में किसी ने वो कर दिया है, अतिक्रमण कर दिया है, मतलब कब्जा कर लिया है। अब ये जो ये ज़मीन है और इसके बाजू में एक ज़मीन और है, माँ भगवती चामुंडा माँ का मंदिर है, उसके बाजू में भी गौचारण भूमि के नाम पर वहाँ भी अतिक्रमण मतलब भूमाफियाओं ने कर लिया है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो कोई बाउंड्री को हाथ लगाएगा उसमें गोली मार देंगे। अब भैया हम तो गरीब ब्राह्मण आदमी हैं, अब बाल करने पा रहे हैं, अब जैसे आए गए गांव समाज की ज़मीनें घेर रहे हैं, लेकिन हमारा जो वर्तमान प्रधान है फौजी साहब, वो गांव का इतना विकास चाहते हैं, इतना विकास चाहते हैं। अब क्या हुआ है यहाँ पर? तो साहब रात को उन्होंने कब्जा कर लिया, और गांव वालों ने आकर के जब देखा, प्रधान जी को पता चला, तो सब गांव वाले इकट्ठे होकर आ गए हैं,
और अब उसके लिए यही है सरकार से हमारी प्रार्थना है कि कम से कम ऐसे भूमाफियाओं को पकड़े और कम से कम उनके लिए स्थान है जो जेल वहाँ तक पहुँचाए। यही हमारी योगी जी से प्रार्थना है। गौ सेवा के लिए वो इतना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं जो गौ माताओं की जगह को भी हड़पना चाहते हैं।